सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं। ज़्यादातर हमने देखे हैं, ज़्यादातर हम बोलते भी हैं, लेकिन हमें पता भी है और नहीं भी पता है, तो वो आज हम क्लियर कर लेंगे। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कमांड के लिए, रिक्वेस्ट के लिए होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी को कमांड देते हैं तो बोलते हैं इधर आओ, पानी लेके आओ, वहाँ जाओ। उसी प्रकार से अगर किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो हम उसे बोलते हैं ज़रा ये कीजिए। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है मैनर्स का, कि हम उनसे किस प्रकार बात करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, कम, डू कम, डोंट कम, डू नॉट कम, वॉन्ट गो। कम का मतलब होता है आना, हमें पता है, लेकिन हम किसी को बोलते हैं कम, इसका मतलब होता है आओ या फिर आ, ठीक है। लेकिन हम किसी को मैनर्स के साथ बोलते हैं तो हम उनको बोलेंगे डू कम, यानी कि आइए। और उसी प्रकार से अगर हम किसी को बोलते हैं डोंट कम, डायरेक्टली हम उनको बोल रहे हैं मत आ, यहाँ पर कोई मैनर्स वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर हम किसी को मैनर्स के साथ बोलते हैं डू नॉट कम, इसका मतलब होता है मत आइए, तो यहाँ पर मैनर्स होते हैं। उसी प्रकार से वॉन्ट गो, मत जाना। तो इससे ये क्लियर होता है कि इस प्रकार के हम सेंटेंसेस बोलते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि उसे ही हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जो कि एक कमांड और रिक्वेस्ट के तौर पे यूज़ में आते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस को हम और भी आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल उसका इंट्रो था। और हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सेंटेंस क्रिएट करने का स्ट्रक्चर है, जिसे हम फॉर्मूला भी बोलते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जहाँ तक मुझे मालूम है ये चीज़ आपको पता है, और जिनको मालूम नहीं है उनके लिए मैंने यहाँ पर इसको बताया है। एक सेंटेंस है सी डज नॉट लव या फिर लाइक मिल्क। तो यहाँ पर सी क्या है, सब्जेक्ट है, डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लव या फिर लाइक क्या है, मेन वर्ब है, मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। और साथ ही यू मस्ट नो कि सभी बोलते हैं कि मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखता सी डज नॉट लाइक हर, सी डज नॉट लव हिम, तो हिम और हर क्या है, प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ मेरा समझाना है कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है लेकिन उसके बाद प्रोनाउन भी आता है, राइट। तो वो चीज़ आप मन से निकाल लें कि उसके बाद ऑब्जेक्ट ही आता है और आप हर चीज़ को ऑब्जेक्ट बताओ, ठीक है, इसके बाद प्रोनाउन आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती है, वो आप बारीकी से बाद में धीरे धीरे सीखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज़ टू, यूज़ टू बी, डिडंट यूज़ टू, डिडंट यूज़ टू बी, यूज़ टू, यूज़ टू बी, डिडंट यूज़ टू, डिडंट यूज़ टू बी, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। और इसकी सहायता से ही हमें पता चलता है कि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और जिस समय की हम बात कर रहे हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास्ट के लिए काम में आती है। यूज टू का मतलब होता है किया करता था, यूज टू बी का मतलब होता है हुआ करता था, ठीक है। यूज टू का मतलब हो गया कि मैं कोई भी चीज़ करता था तो वो एक एक्शन के तौर पर आ जाएगी, और यूज टू भी बताएगा कि मैं क्या हुआ करता था, मैं टीचर हुआ करता था, ठीक है। डिडंट यूज टू, इसका मतलब हो जाएगा नहीं किया करता था, और डिडंट यूज टू बी, और इसका मतलब हो गया नहीं हुआ करता था। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ देखो कि जो यूज टू है वहाँ पर यूज्ड आ रहा है, यू एस ई डी, लेकिन जब मैं डिडंट यूज लगा रहा हूँ तो वहाँ पर यू एस ई आ रहा है, यूज्ड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, या फिर आपको ये चीज़ पता है, यूज्ड है जो कि ऑलरेडी एक पास्ट को दर्शाती है, लेकिन डिडंट, डिडंट जो कि डू और डज की पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट फॉर्म यानी कि जो पास्ट को दर्शाती है, ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है, तो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। डिडंट एक ऑलरेडी डू डज की पास्ट प्रोफाइल है, ठीक है, पास्ट वर्ब है, तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। सो डिडंट का यूज़ हमेशा पास्ट के लिए ही होता है।
तो डिडंट के बाद हमेशा यूज़ आएगा, ना कि यूज्ड। काफ़ी स्टूडेंट यूज्ड कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि डिडंट के बाद यूज़ यानी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बिकॉज रीज़न मैंने आपको बता दिया है। और इसके कुछ सेंटेंस बनाए हैं जिसे आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर पाएंगे। वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन स्कूल, यानी कि हम स्कूल में पार्टिसिपेट किया करते थे, पास्ट की बात बता रहे हैं। वी यूज्ड टू, ठीक है, और यूज टू के बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। तो वी यूज टू पार्टिसिपेट इन स्कूल, राइट। तो ये क्या हो गया कि हम स्कूल में पार्टिसिपेट किया करते थे। उसका नेगेटिव सेंटेंस देखिए, यू डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट। पहले इसका मतलब देखिए कि तुम क्रिकेट नहीं खेला करते थे। और आगे है यू वुड प्ले कबड्डी। देखिए अगर हम यूज टू का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डिडंट यूज टू का कर रहे हैं, जब भी हम यूज टू डिडंट यूज टू लगाते हैं तो उसके अगले सेंटेंस में हम यूज टू के बजाय हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका मतलब वही होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि वुड का इस्तेमाल हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, उसके बाद ही करेंगे। यू डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, यू वुड प्ले कबड्डी। इसका मतलब ये है कि यू डिडंट यूज टू मतलब तुम क्रिकेट नहीं खेला करते थे, तुम कबड्डी खेला करते थे, बस इतना है। आया समझ में? हम क्या करते थे क्या नहीं करते थे और सेंटेंस में वुड का इस्तेमाल कब होगा, सेंटेंस डिडंट यूज टू या फिर यूज टू का कोई भी सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ होगा और उसके बाद आप सेकंड सेंटेंस से स्टार्ट कर सकते हो, थर्ड में भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जो कि एक यूज टू बी का पार्ट है। यूज टू बी का मतलब क्या हो गया कि हम हुआ करते थे, ठीक है। तो आई यूज टू बी नर्वस वाइल मेकिंग वीडियो, ठीक है, मतलब मैं नर्वस हुआ करता था वाइल मेकिंग वीडियो, मतलब मैं वीडियो बनाते हुए नर्वस हुआ करता था। नेगेटिव सेंटेंस के रूप में आई डिडंट यूज टू बी कॉन्फिडेंट। डिडंट यूज टू बी का मतलब हो गया कि नहीं हुआ करता था, क्या नहीं हुआ करता था, कॉन्फिडेंट, यानी कि मैं आत्मविश्वासी नहीं हुआ करता था। दैट इज़ वाई आई यूज टू बी नर्वस वाइल मेकिंग वीडियो, इसीलिए मैं वीडियो बनाते समय नर्वस हुआ करता था, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इसके प्रोफाइल है। यूज टू का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, यानी कि जो पास्ट की कोई भी स्टोरी आप अगर सुनाना चाहते हो, पास्ट की कोई भी चीज़ आप बताना चाहते हो, जैसे कि हम आइसक्रीम खाया करते थे, जैसे कि हम छुपन छुपाई खेला करते थे, ठीक है, तो इसके लिए हम छुपन छुपाई खेला करते थे, इसके लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं वी यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। मतलब हाइड एंड सीक का मतलब होता है छुपन छुपाई, ठीक है। तो वी यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, हम छुपन छुपाई खेला करते थे। तो इसी प्रकार से हम इनका इस्तेमाल करते हैं और इसको हम आगे आराम से देखेंगे। और यूज टू बी, डिंट यूज टू, डिंट यूज टू बी, और साथ ही वुड का इनके साथ किस प्रकार से इस्तेमाल होता है और ढंग से डिटेल में इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पजेशन। पजेशन जो होते हैं उनके जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा यही शो करते हैं कि कोई भी चीज़ हम रखते हैं, ठीक है, वो पजेस्ट है, मतलब उस पर हमारा अधिकार है। पजेस्ट आपने काफ़ी बार सुना होगा, आत्मा के कारण उसका शरीर पजेस्ट है, मतलब उसके वश में है, कोई भी आत्मा है उसके शरीर को वश में रखती है। पजेशन के जो सेंटेंसेज होते हैं उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज हैव, साथ ही हेड होता है, विल हैव होता है, हेड जो पास्ट के लिए यूज़ में आता है, विल हैव जो कि फ्यूचर के लिए काम में आता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम हैज और हैव को क्लियर करते हैं। कोई भी चीज़ रखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में हम रखते हैं, जैसे कि पहला सेंटेंस है सी हैज अ बुक, मतलब वह बुक रखती है, ठीक है, वह एक बुक रखती है। आई हैव राइट टू स्पीक, मैं अधिकार रखता हूँ किसका, बोलने का, मैं बोलने का अधिकार रखता हूँ, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ लिखा आई हैव राइट टू स्पीक। और उसके बाद है ही डजेंट हैव गुड मैनर्स। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो सेंटेंस है सी हैज अ बुक और थर्ड पे मैंने लिखा ही डजेंट हैव गुड मैनर्स। ओके यहाँ पर डिफरेंस देखो, ही और सी क्या है, सिंगुलर है और उसके लिए हमेशा हैज का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने ही के साथ डजेंट लगाने के बाद हैव का इस्तेमाल किया है। हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और डजेंट क्या है, डजेंट
डू डज जब हम इस्तेमाल करते हैं, डू का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होता है और डज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होता है। तो यहाँ पर डज का इस्तेमाल पहले ही सिंगुलर फॉर्म के रूप में इस्तेमाल हो चुका है, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। तो यहाँ पर डज सिंगुलर फॉर्म के रूप में अप्लाई है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म देन गुड मैनर्स जो कि रखना हुआ है। तो ही डजंट हैव गुड मैनर्स। और लास्ट सेंटेंस है यू डोंट हैव मोबाइल। तो यू के साथ डोंट यानी कि प्लूरल फॉर्म डोंट के रूप में इस्तेमाल हुई है और हैव फर्स्ट फॉर्म है, तो यू डोंट हैव मोबाइल। ठीक है, अगर हम सिंपल सेंटेंस यूज़ में लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम सी हैज डायरेक्ट हमने इस्तेमाल कर दिया कि वह एक बुक रखती है। लेकिन जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं तो ही के साथ डज फॉर्म इस्तेमाल में आती है और जो प्लूरल होता है यू दे वी उसके साथ डोंट जो कि प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, और उनके बाद चाहे डज हो डजंट हो डोंट हो, ठीक है, उनके बाद हमेशा ही हैव इस्तेमाल होगा यानी कि फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और उसमें हम पढ़ेंगे पजेशन से रिलेटेड हैड और विल हैव, जिसमें उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे उसके बाद जो भी हम पढ़ने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले क्लियर हो जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और उसकी जो ग्रामेटिकल जो प्रोफाइल है वो क्या है, उनका मतलब क्या है, ताकि जब हम चीज़ें आगे डिटेल में पढ़ेंगे ना तो उस समय आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर आप हर बात के लिए पूछोगे नहीं कि इस यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ है, इसका इस्तेमाल क्यों हुआ है। तो ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर करना होगा। और कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट करना है या फिर ईमेल दी हुई है, ईमेल पर आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ईमेल भी कर सकते हैं। दैट वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।